ठंड आते ही हम नहाने से बचने लगते हैं, फिर कपड़े धोना बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरे साल वॉशिंग मशीन लेने के बारे में सोचते हैं और नहीं लेते, तो यह जरूरत ठंड आते आते आपकी बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। मतलब पूरे साल हमने भले ही नहीं ली, लेकिन ठंड में हमें जरूर यह एहसास होता है कि बस अब वॉशिंग मशीन ले लेनी चाहिए। और अगर वॉशिंग मशीन लेने का मूड बना रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट वॉशिंग मशीन मिले, तो अगर आप एक ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग बेस्ट क्वालिटी की वॉशिंग मशीन ढूंढेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या अपने ऑफलाइन मार्केट पे, तो आपको 25-26 हजार से नीचे कोई वॉशिंग मशीन नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, मैं जब वेबसाइट्स को विजिट कर रहा था वॉशिंग मशीन ढूंढने के लिए, तब मैंने वहां पर एक वॉशिंग मशीन देखी जो फॉलकॉन की तरफ से आती है, और मैं इसका प्राइस देख के शॉक्ड हो गया। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन अगर आप 6 kg की लेते हैं तो 15,999 की, 7 kg की लेते हैं तो 16,999 की, और अगर आप 8 kg की लेते हैं तो ये अप्रॉक्स 19,000 की मिल रही है, जो कि बाकी की वॉशिंग मशीन से 10,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ती है। मतलब 10,000 रुपए की एक वॉशिंग मशीन आ जाती है सेमी ऑटोमेटिक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वॉशिंग मशीन मंगवाई जाए और इसके बारे में रियलिटी चेक किया जाए, और अगर ये वॉशिंग मशीन हमारी सारी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरती है तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ताकि अगर आपको सस्ती और बेस्ट वॉशिंग मशीन लेने का मूड हो ये वाली, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। और बात करें इसके लुक की, तो आप देखिए सामने से यहाँ पर आपको नॉब मिलता है जिससे आप फीचर्स वगैरह इसके सेट कर सकते हैं। 16 वॉट्स प्रोग्राम इसमें है। यहाँ पर आपको एक LED पैनल मिल जाता है जिसमें कि आप जो भी वॉट्स प्रोग्राम सेट करेंगे उसके बारे में डिटेल मिलेगी आपको। और ये फिजिकल बटन से, कोई टच बटन नहीं है, ये पुश करने होंगे, ये फिजिकल बटन से। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये पोर्शन आपको जितना भी है ये सारा कुछ आपको टीन का मिलता है, मतलब ये मेटल है, और यहाँ से ये पोर्शन, ये टोटल आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। ये चीज़, ये टॉप भी इसका प्लास्टिक का है, और ऐसे ही आपको चारों तरफ देखने को मिलता है। ये देखिए, बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये एक पावर केबल मिल जाती है जो ठीक ठाक लेंथ की है, अप्रॉक्स 2 meter। ये इसका बैक साइड का पैनल है जिसे आप खोल सकते हैं, और ये इसका ड्रेन पाइप है, और यहाँ से आप जो पानी का पाइप है वो इनपुट लगाएंगे, और इसमें पानी का जो पाइप है वो साथ में नहीं मिला है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर ड्रेन पाइप दिया है तो साथ में ये भी देना चाहिए, ये आपको सेपरेटली बाई करना पड़ेगा। जहाँ आप फॉलकॉन लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेप को अगर मैं हटा दूँ तो ये जो एरिया है, ये यहाँ से आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं, और इसमें सेपरेटली ड्राई यानी कि पाउडर डिटर्जेंट और लिक्विड डिटर्जेंट दोनों के अलग अलग चैम्बर्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आप किसी भी तरह की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन लेते हैं, चाहे फिर वो ये क्यों ना हो, तो उसमें आपको यहाँ सामने सबसे नीचे के साइड राइट हैंड साइड में ये एक चैम्बर टाइप का मिलता है। इस ढक्कन को आप हटाएंगे तो इसके अंदर आपको जैसे कि बटन्स हो गए या कोई हार्ड मटेरियल आपके कपड़े में रह जाता है तो वो यहाँ आकर के फंस जाता है, यहाँ से उसको सक्शन कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ से खोल करके क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि किसी भी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में जब वो कहीं ट्रांजिट की जाती है या आपके पास तक आती है किसी ऑनलाइन स्टोर से, तो ये 4 nut-bolt लगे होते हैं जिन्हें आपको खोलना होता है। यहाँ अगर आप देख पाएं तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल ट्रांजिट बोल्ट्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर यूजिंग द वॉशर, यानी कि आपको इन्हें चारों को हटाना होगा। फिलहाल जो भी सर्विस बंदा आएगा इंस्टॉलेशन करने वो ये हटा देगा, लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इन चारों नट बोल्ट्स को हटा दें। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको अप्रोक्स 17 है, पर आप 1.5 inch ये आगे वाला लीड मान के चलिए तो लगभग 19.5 inches होती है। ये जो है इसकी विड्थ, ये 23 इंचेस होती है, जिसको अगर आप 1 inch बढ़ा लें तो 24 इंच बनती है, और जो इसकी हाइट है वो अप्रोक्स बनती है 34 इंचेस, तो लगभग 3 feet से 2 inch कम इसकी हाइट है।
और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जहां भी आप चाह रहे हैं इसको रखना, ये वहां फिट हो सकती है नहीं, तो इसके हिसाब से आप अपनी जगह जो भी घर की है उसको डिसाइड कीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके वॉश प्रोग्राम्स की और फ्रंट पैनल की। तो ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ऊपर बटन है, इसको आपको प्रेस करना होगा। ये ऑन हो चुकी है। अब यहां पर आपको एलईडी इंडिकेटर काफी बड़े साइज का दिख रहा है, दूर से भी विजिबल है। और यहां पर आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको कितने गर्म पानी में कपड़े धोने हैं। तो यहां आप 20, 30, 40, 60, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कपड़े अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने गर्म पानी में आपको कपड़े धुलने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी जो मोटर है वो 1200 RPM की स्पीड के साथ आती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। कपड़े बहुत अच्छे क्लीन होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको बटन, इसको दबाने से आप अलग अलग स्पीड इसकी मोटर की सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको प्रेस किया तो अभी 0 है, 400, 600, 800, 1000 और 1200 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी 400 RPM से 1200 RPM तक की स्पीड जैसी आप चाहे वैसे डिसाइड कर सकते हैं। वो डेडिकेटेड है, यहाँ पर स्पीड का बटन दिया हुआ है। ये स्टार्ट एंड पॉज का है, अगर आपको बीच में रोकना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं फिलहाल अभी यहाँ पर स्पिन लगा हुआ है और ये 13 मिनट की टाइमिंग लगी हुई है। तो जब हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा और जब हम रोक देंगे तो ये रुक जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप कोई भी प्रोग्राम सेट करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एक लॉक दिख रहा होगा, ये है चाइल्ड लॉक। इसका यूज़ क्या होता है कि जनरली जब आप वर्क करते हो या वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हो तो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और ये वाली लीड वो खोल देता है चलते समय, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए जब तक ये चल रहा है, ये टाइमिंग ख़त्म नहीं होती और ये लॉक दिख रहा है, तब तक आप कितनी भी कोशिश करिए आप इसको खोल नहीं सकते। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये मैंने चालू कर दिया, यहाँ टाइमिंग शुरू हो गई है, तो अब ये नहीं खुल रहा। मैं कितना भी ताकत लगा रहा हूँ ये नहीं खुल रहा, ये टूट जाएगा पर खुलेगा नहीं। तो ये है चाइल्ड लॉक, जो कि इसमें बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर दिया गया है। मोस्टली सभी महंगी अच्छी वॉशिंग मशीन्स में ये फीचर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं और लाइव देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसा करती है। लेकिन अगर आप मूड बना रहे हैं इसको खरीदने का तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको आज का करंट प्राइस पता चल जाएगा और बाकी की डिटेल्स भी आप वहां से पता कर सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिकल टाइम, आप देख रहे हैं यहाँ मशीन चालू है, मैंने कुछ कपड़े डाले हुए जो आराम से धुल रहे हैं। और मुझे दिखाना ये था कि यहाँ देखिए कपड़े स्पिन हो रहे हैं और मशीन में 1% भी वाइब्रेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। और अब ये देखिए फुल स्पीड में ये मूव कर रही है, कपड़े सुखा रही है और अभी भी इस स्टेज पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, ये देखिए। और अभी धीमी हो रही है, ज्यादातर मशीन्स में जब ये रुकती है तो वाइब्रेशन होता है, इसमें वो भी नहीं है। आपको दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा हूँ, टेप भी दिखा रहा हूँ और मशीन भी दिखा रहा हूँ। देखिए वो रुक रही है और मशीन बिल्कुल भी डिग नहीं रही है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं आपको चाइल्ड लॉक वाला फंक्शन जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए मशीन चल रही है और ये यहाँ पर लॉक दिखा रहा है, और जब तक ये लॉक दिखा रहा है आप मशीन को कितनी भी ताकत लगा लीजिए खोल नहीं सकते। जब ये पूरी मशीन रुक जाएगी, पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लॉक हट जाएगा, ये बीप दे देगी और उसके बाद ही आप इसको खोल पाएंगे। तो ये चाइल्ड लॉक जो है बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। ये देखिए मशीन ने बीप दे दी है और पूरा प्रोसेस एंड हो चुका है और यहाँ से लॉक भी हट चुका है। अब हम लोग इसको खोलते हैं, ये देखिए कितने आराम से खुल गया। और कोई एक कपड़ा निकाल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। बस हल्का सा आपको ये फील होगा कि थोड़ी सी नमी है, आप इसको बस फैला दीजिए और उसके बाद 10 मिनट के अंदर ये कपड़ा बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। देखिए पॉकेट वाला एरिया ये जीन्स है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो दोस्तों इतनी सारी मेहनत करने के बाद उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी वॉशिंग मशीन खरीदनी है ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।